Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow. Hi guys, welcome to my YouTube channel The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and today I am up with a new J vlog. So आज के वीडियो में आप बहुत सारी दिवाली पार्टी देखने वाले हो. So सबसे पहले we will start with our friends दिवाली पार्टी. मैंने और दीदी ने मिलकर हमारे फ्रेंड्स को दिवाली पार्टी थ्रो की थी और सारी प्रिपरेशन वगैरह की थी. So let's just get started with the video. Hello guys, good morning. मम्मी का बर्थडे था कल के एक दिन पहले और आज है मंडे और हम अभी उठे हैं. हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद आज मेरे पास बहुत सारे काम है. आज रात में वी आर थ्रोइंग अ दिवाली पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स. तो मेरे सारे फ्रेंड्स, दीदी के सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं एंड हम टेरेस पे करते हैं तो बहुत मजे आएंगे. आज हमें डेकोरेशन वगैरह का ध्यान रखना है, करना है थोड़ा बहुत. देखते हैं क्या क्या करना है. वही एक बार आज टू डू लिस्ट बनाते हैं लंबी सी एंड फिर स्टार्ट करते हैं चीजें. ऑल्सो हमने फ्लावर्स मंगवा लिए हैं, थोड़े गेंदे के फूल जिससे हम डेकोरेट कर पाए क्योंकि आई लव गेंदे के फूल और दिवाली है मतलब गेंदे के फूल ओनली. गुड मॉर्निंग. Good morning. Also, I'm supposed to wear a sari क्योंकि I love wearing sari. So I don't know which sari I'm going to be wearing. Okay guys, so काफी लोगों को पता नहीं होगा, हम लोगों को हर बार कोई भी ब्रांड वीडियो करने से पहले वी हैव टू शेयर द होल सेटअप हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. तो आज मेरी फिल्मिंग नहीं है बट आई हैव टू क्रिएट द होल सेटअप्स एंड आउटफिट्स फॉर अप्रूवल. सो वही सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे. आई वाज जस्ट क्रिएटिंग थोड़ा सा सेटअप एंड ऑल. आई हैव टू सेंड दिस टू अ ब्रांड एंड इट लुक्स सो फेस्टिव. फेस्टिव सीजन है एकदम से खुशी दे देता है और बहुत सारे पैसे भी दे देता है एज एन इन्फ्लुएंसर. तो बस वही सारी चीजें चल रही है. डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ बैक हैंड का काम. फिर हमें थोड़ी फिल्मिंग करनी है एंड देन वी हैव टू Make sure everything goes right for the Diwali thing. Also, मैं केक का ऑर्डर देना भी भूल गई थी, बस मैंने अभी दिया है. Yum yum lotus biscoff cake आएगा, my favorite one. So yes, let's do थोड़ा बहुत काम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. Also guys, यहाँ पे हम बना रहे हैं माला. मुझे तो आती नहीं है तो कांता आंटी मेरी मदद कर रही है. थैंक यू आंटी. Also guys, one more thing. दिवाली का जब ये टाइम वाइम चल रहा होता ना तो हम वीजा भी अप्लाई कर रहे होते हैं. लास्ट ईयर हमने किया था और हमने प्रॉमिस किया था हम दोनों ने कि हम हर साल न्यू ईयर पे ट्राई करेंगे ट्रिप लेने की. जब तक भगवान साथ दे तब तक तो हम कोशिश करेंगे. एग्जैक्टली. तो वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर अ वीजा एंड आई होप वो हो जाए. और मैं तो आज उठ के मेरा था आज तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं मुझे वीजा के. सो वी आर जस्ट डूइंग दैट. और मैं चाबी लेके घूम रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ऊपर स्टूडियो में जाना है. गाइस वी आर ऑन टेरेस और टेरेस एकदम मस्त साफ कर दी गई है अब. Okay guys, so that's how I want this place to look like. मुझे इसको अच्छे से कवर करना है. Like I want to put some bedsheet on it. Colorful भी चलेगी, plain भी चलेगी, कुछ भी. क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऐसे सामान रखा है which I don't want to show. So I'm just going to cover this. यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे तो बैठने का. And this looks so good, like Indian and it just makes me feel good. So I'm just going to keep this carpet here. यहाँ पे we have a mirror so that we girls can get really good photos. And यहाँ से ना like there's this pipe here. यहाँ से I'll try to hang a lot of गेंदा के फूल की वो माला जो हम बना रहे हैं लाइक सीधी सीधी लंबी लंबी. एंड आई थिंक दिस विल लुक वेरी क्यूट. यहाँ पे हम थोड़ी बहुत और चीजें रख देंगे इसके अंदर. आई पुट सम फ्लावर्स एंड थोड़ा मेक इट लुक मोर ऑर्गेनाइज्ड. सो दैट्स द सेटअप फॉर इनसाइड. एसी अच्छे से काम कर रही है एंड आई हैव एडेड दिस. ये मैंने बहुत पहले कहीं से खरीदा था एंड आई रियली लाइक इट. एड्स अ लॉट ऑफ कलर्स. और यहाँ पे जब फ्लावर्स आएंगे तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो लुक गुड. दैट्स द प्लान फॉर नाउ एंड द एसी इज वर्किंग वेरी वेल. एक साल बाद हमने इसको ऑन किया है तो आई एम हैप्पी दैट दिस इज working. The lights are on. We also have ring light. अगर हमें और फोटोज वगैरह यहाँ पे खिंचवानी हो तो. So that's the reason I've placed it here ताकि वहाँ पे plug है and we can get good photos and all. So all set for inside thing. बाहर we are going to do setup. नीचे बैठने वाला. So थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे फिर ज्यादा शोर होने लग जाएगा तो we'll shift inside and yeah, I like it. अब ना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं ऊपर जाके आई हूँ चीजें करके आई. आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड देन आई विल सी यू बिकॉज मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया. आई नीड टू वॉश माई हेयर एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोना सी यू वंस आई एम ऑल क्लीन एंड फ्रेश. ओके गाइज, आई जस्ट टुक शावर एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर एंड आई हैव बीन यूजिंग द ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड सीरम अ लॉट. आई हैव बीन लविंग दिस. दिस इज माई थर्ड बॉटल. आई हैव बीन यूजिंग दिस रिलीजियसली एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. and then I follow it up with a moisturizer because my dry skin needs it. For my lips, I only use this intensely hydrating lip balms from Hyphen. These are best result for soft and moisturized lips. So there are three variants in this. Two are the flavored ones and the last one is the SPF. The vitamin infused peptide lip balms have two flavors. One is the peach one and the other one is the vanilla one. This is like a little VIP treatment to my lips क्योंकि बहुत ज्यादा moisturizing होती है. Plus the flavor makes it super fresh. जिनको थोड़ा extra sun protection चाहिए उनके लिए we have the third variant. All I Need lip screen. So this is SPF 30. This is fragrance free. हमारे lips को sun से protect करता है, reduces pigmentation on the lips, lightens dark lips, along with providing intense hydration with kojic acid and vitamins. So whenever I am stepping out, I go ahead with the SPF one. और जब भी मैं घर पे होती हूँ, I go with the yummy flavored ones. So these lip balms have got you covered for the trying winters to the harsh sun rays. I'm going to link these products in the description box. Do check it out. अब मैं makeup करके मिलती हूँ आपसे. हेलो, मैंने मस्कारा ले लिया और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया बिकॉज आई हैव टू फिल्म वन यूट्यूब वीडियो अ हॉल वीडियो आई एम गोइंग टू डू दैट. एंड दीदी भी यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुकी है. शी इज हेडिंग आउट फॉर सम वर्क. आज मम्मी ने लंच में बनाया है मठाके आलू. वी हैव बैगन का भरता. मुझे बहुत पसंद है, पहले बिल्कुल नहीं पसंद था. नाउ आई लव इट. राइस रोटी. चलो लेट्स ईट. आई एम सो हंग्री. सेम. हेलो गाइज, लंच इज डन एंड आई लुक समथिंग लाइक दिस क्योंकि ये और ये बेडशीट मुझे ऊपर लेके जानी है. हम ये बांधने जा रहे हैं. सो लेट्स गो. गाइस, यहाँ पे एक लंबी सी डंडी लगाई गई है, यहाँ पे भी अटैच की जाएगी. फिर यहाँ से वी विल बी थ्रोइंग लाइट स्टिल हियर जो बहुत मस्त लगता है. इसे स्क्वायर जैसा बन जाएगा और नीचे सेटिंग अरेंजमेंट होगी. एंड वी आर डूइंग दिस फॉर लेट नाइट. क्या आराम से बैठना बैठना है, गप्पे वप्पे मारने हैं. एक बार अंधेरा हो गया, केक वेक कट हो गया, उसके बाद के लिए वी हैव दिस. ओके गाइस, आई एम फिल्मिंग अ वीडियो हियर और अभी ऊपर डेकोरेशन वाले आ गए. सो आई एम लुकिंग समथिंग लाइक दिस राइट नाउ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ. आई हैव टू गो अप. And guys, the stuff is here. Okay guys, so ये setup यहाँ बीच में होगा. I'm super excited. Okay guys, done with the shoot और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है. I'm very confused if I should go to the gym or not क्योंकि मेरा मन तो बहुत करा है. मैं हुआ हूँ 6 से 7, फिर रह ही जाएगा अगर रह गया तो. और मैं गई भी नहीं हूँ लास्ट वीक. आई एम रियली प्लानिंग टू गो बट ऊपर भी तैयारी हो रही है. तो जिम जाऊँ मम्मी? नहीं. और यहाँ पे बहुत बढ़िया सी लाइट्स भी लग गई एंड वी आर डूइंग दिस सेटअप. Guys, we have lots of flowers from the shoot जो हमने use नहीं किया. So I'm going to make semicircle right here. गाइज, दीदी आ चुकी है और हम नीचे आ चुके हैं. मम्मा हमें खाना खिला रही है. दो हमारा डिनर प्लान है बट बहुत ज्यादा भूख लग रही थी बिकॉज वी स्किप्ड ऑन इवनिंग का स्नैक वैक. तो हम खा रहे हैं मठा के आलू विद बैगन का भरता और दीदी यहाँ पे कुछ अपनी रामेन बना रही है. एंड दीदी पहन रही है ये पिंक कलर की साड़ी जिसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल सा वर्क हुआ है. एंड आई एम वेयरिंग दिस सूट विच लुक्स सो प्रिटी जिसपे भी सिमिलर वर्क है. तो आई थिंक दिस विल लुक वेरी नाइस. पापा इज हियर. पापा अपना आउटफिट पूरा बदल के आए हैं ऊपर आने के लिए. We are here at Kay's veranda for creators dinner. पहली बार सूरत के सारे creators मिलके dinner पे जा रहे हैं. I'm really excited about it. मुंबई वाले, दिल्ली वाले करते रहते हैं, पहली बार सूरत वाले करते हैं. Hi guys, मैं भव्या. दोनों लड़कियों ने मेन्यू खोल के पूछी ऊपर वाला बहुत अच्छा है. ऑब्रोग्रीन, स्लाइस्ड इन पीनट सीनट. मैंने बोला बैगन है. दोनों लोगों ने ना बोल दिया. Now we are famous. अभी हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं. हाय भोली बेटी का व्लॉग. I think Janvi is a lifestyle creator and she crazily edits of videos. ये सब चाहते कि मैं edit करूँ, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं. जानवी the best. दो just wow. Okay कर दूँगी edit. बहुत तो हाफ रही हूँ क्योंकि मैं 4-5 फ्लोर चढ़ के आई हूँ. तो आज है हमारे घर की दिवाली पार्टी. टुडे इज न्यू ईयर बाय द वे. दिवाली के अगले दिन गुजराती इसकी न्यू ईयर होती है, तो इट्स न्यू ईयर. सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली. और अभी हम कर रहे हैं डेकोर की तैयारी. ये बार हमने डेकोर किसी से भी नहीं करवाया, हम सारे कजिन्स खुद करने वाले हैं. और हम थोड़े लेट चल रहे हैं क्योंकि सब बहुत ज्यादा लेट बैक थे एंड वी हैव गॉट थिंग्स टू डू. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. हेलो That's the gang. और यहाँ पे हम चेयर्स वाला सेटअप कर रहे हैं क्योंकि बड़े लोग हैं, they can't sit on the floor. मुझे तो फ्लोर सिटिंग पर्सनली ज्यादा पसंद है but can't do it. अभी ऊपर से यहाँ से यहाँ वाली लाइट्स लगेंगी जो आपने पहले भी देखी हुई है. इसके ऊपर हमें एक ट्रेल टाइप बनानी है, उसके लिए हमने फ्लावर्स मंगवा लिए हैं. मैं एक काम करती हूँ, मैं फ्लावर की ट्रेल बनाना चालू करती हूँ. चल सेलू अपन बैठते हैं. Guys, these are the sponges that we will be using. और ये बोल ले लेता. Guys, आपको मेरे कजिन्स अगर अपनी किसी भी शादी ब्याह मुंडन में चाहिए हो तो बुला ले, सारे काम करके जाएंगे ये. इस कुर्सी के गेट रेडी विथ मी में आपका स्वागत है. यहाँ हम कुर्सी को कपड़े पहना रहे हैं. यहाँ पे ये दूसरे मजदूर लाइट लगाते हुए. तिवारी खानदान के लड़के मंडप का काम करके दे देंगे और लड़कियाँ हमारे यहाँ फूल की सजावट करने में लगी हुई है. लड़कियाँ जरा एक बार देख के थोड़ा मुस्कुरा दो. कितना फेक लापता ये. गाइस, हम ना ऐसी लकड़ियाँ डाल रहे हैं और फिर इसके अंदर हम स्पॉन्ज रख के ऐसे उसके अंदर पूरा कवर कर देंगे और इनको बीच बीच में रखेंगे. यहाँ पे लाइट्स का काम हो रहा है, चेयर वगैरह कवर हो रही है. दिस इज गुड. करवाने से अच्छा खुद करो, ज्यादा मजा आ रही है. बीच में हम बना रहे हैं येलो फ्लावर की ट्रेल. हम ना दोनों साइड पिंक कलर की भी ट्रेल डाल रहे हैं जिससे बहुत कुछ ऐड हो रहा है. ऑल्सो द लाइट्स आर ऑन नाउ, इट लुक्स फैब. मानो चाहे ना मानो, आज सबसे ज्यादा काम किया है सेलू ने. ये देखो बड़ी बहन. 10 बार उतर के आया है. सबसे ज्यादा काम किया लड़कों ने, उन्होंने ये उठा के चढ़ाई है. हाँ यार सही बात है. ये टेबल्स बहुत हेवी है जो ये लोग चढ़ा के लाए हैं. कचरा मत कर. अभी मैंने झाड़ू लगाया. ग्रेट वर्क गाइस. ओह माय गॉड, मैं बहुत ही बेकार लग रही हूँ. माई हेयर लुक रियली बैड राइट नाउ, बट एनीवे सारा डेकोर हो चुका है. आई एम रियली एक्साइटेड. दीदी हैज आल्सो ऑर्डर्ड फूड. दीदी बताना ऑर्डर में क्या है. ऑर्डर में है 10 भाजी, 50 पाव, 8 मंचूरियन, 5 हक्का नूडल्स, 5 तवा पुलाव, 1 नॉर्मल केक, 1 चीज केक. तो हमने इतना कुछ ऑर्डर कर दिया है. सो हम ना पहले ऐसे कुछ दिवाली पार्टी वगैरह किया नहीं करते थे. व्हेन वी ग्रू अप वी डिसाइडेड कि हमें हर साल ये करना चाहिए और ये कजिन्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं. दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज बाय बड़े एल्डर पीपल. हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उनको बोलते हैं प्लीज इस दिन तारों के ऊपर आ जाना. दैट्स ऑल दे डू. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन. अब मैं बनने जा रही हूँ हीरोइन. रूल इज कि आपको सबको एकदम तैयार होके आना. दैट इज द रूल. और हमारे बड़े इस चीज में एफर्ट्स भी करते हैं कि दे एक्चुअली बाई न्यू आउटफिट्स फॉर दिस दिवाली पार्टी. क्योंकि बचपन में ही होता था कि हम दिवाली पे पटाखे वगैरह फोड़ लेते थे, बट अब थोड़ी लोकी हो जाते हैं. तो भी मेक श्योर इससे एकदम मस्त हैपनिंग हो. तो चलो फटाफट तैयार होते हैं. आई एम प्लानिंग टू डू अ स्लीक वन क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली बाल है. एंड आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग एन अमेजिंग आउटफिट विच आई मेड. इसके बारे में और डिटेल्स में आपको दीदी के चैनल पे पता चलेगा, बट दैट्स दी कुर्ता एंड आई एम वेयरिंग अ शरारा. आई एम नॉट एट ऑल अ शरारा पर्सन. मुझे ऐसा लगता है एज अ शॉर्ट गर्ल इट जस्ट मेक्स मी लुक मोर शॉर्ट, सो आई डोंट प्रेफर शरारास, बट दिस वन आई हैव मेड श्योर कि मैं ऐसा ना लगूं. और मैंने खुद आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में बनाया तो बहुत सुंदर लगता है. तो चलो लेट्स गेट रेडी. आप कुछ टाइम लैप्स में देखोगे क्योंकि मैं तो एक प्रॉपर गेट रेडी विथ मी कर रही हूँ. एक शॉर्ट बना रही हूँ, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे ना. और यहाँ चल रही है गॉसिप. ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, ये लेट लतीफ लोग. 5 मिनट लगेंगे. पान थूक के बात कीजिए. Guys, I love my eye makeup today. This one मैं ऐसा ही करने वाली हूँ क्योंकि my outfit is purple. मैंने हल्का सा shimmer लगाया and then I did a smoky eye. I'm not a person who does a lot of eyeshadow, but today I love it. फुल हीरोइन फील्स आ रही है। मैं आई थिंक आज सबसे पहले तैयार होंगी बिकॉज आई चोज टू डू मेकअप ऑन मेकअप एंड नॉट डू फ्रॉम स्क्रैच, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। टाइम भी बच गया, लेजीनेस भी खुश है मेरी और मैं भी अच्छी लग रही हूँ। गाइज, अगर आपको आपकी शादी ब्याह बारात के लिए तैयार होना है तो हमारे पास मुआ बुआ भूरी बेटी भी है। मुआ बुआ है, बुआ ही बना दिया। ये बोलेंगी सिर्फ आपकी अंडर आइज कवर कर देती हूँ मैं कंसीलर लगा के, और उस कैम में आपका पूरा मेकअप कर लेंगी जो अच्छा भी लग रहा है अपेरेंटली। गाइज वी आर ऑल रेडी। मैंने स्लीक बन की जगह पोनी बनाई है एंड दीदी भी तैयार है। दीदी इधर से मम्मी का आउटफिट निकाल रहे थे अभी। वी ऑल आर लुकिंग पटाखा। अभी मम्मियों को तैयार करता है। ये बताओ मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ गोपाली दीदी? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती। नहीं, एक तो बोलना पड़ेगा। नहीं, एक बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एंड गाइज दैट्स माई आउटफिट। गाइज आई वॉन्ट दीदी टू चेंज हर लिपस्टिक सो दैट शी लुक्स, हर मेकअप लुक्स मोर हैवी। मैं अकेली क्यों हैवी मेकअप करूँ? आई मेक दीदी ऑल्सो डू इट। हेलो मम्मा। गाइज मैं मम्मा का मेकअप करने जा रही हूँ आप, क्योंकि जानवी ही मेरा मेकअप ऑफ कोर्स। बहन हो तो ऐसी। एक बार बोलने पे मैडम जी ने लिपस्टिक बदल दी है। अब आई एम गोइंग टू डू जीनू दीदी के हेयर स्टाइल। वी आर अप और ये देखो यहाँ पे जीजू लाइट दिखा रहे हैं। जीजू डेकोर कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। छोटा चोपलीज हियर एंड ही इज नॉट डूइंग अ लिटिल वेल। लाइक ये सब क्या हो रहा है? हेलो गाइज, आंटी जी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और यहाँ चल रहे थोड़े फोटोज वोटोज। पापा क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है हाँ? डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है हाँ? और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चों ने किया है। वो आपसे आया हो। पापा कह रहे मुझे लगा नहीं था मेरे बच्चे टैलेंटेड है बट निकल गए। मुझे लगा कि कहीं जा रही थी कि आप डेकोरेशन वालों का पैसा मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पे पंगत में हम लोग बैठ चुके हैं एंड आई थिंक ये बार चेयर्स बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गई है। और इट्स ओके, मैं दो पे बैठूंगी। थैंक यू सेलू। गाइस सेलू इज लुकिंग सो प्रिटी। पापा को खवाने हैं। अच्छा। So cute. Happy birthday to you. Time for musical chairs starting with Jen. 5, 6, 7, go. Out, out, out. पहला खिलाड़ी आउट हो गया है ओवर स्मार्टिंग में। कैजुअल है। अरे थोड़ा स्पोर्ट्स लाओ यार गेम में। क्या हुआ? तो यहाँ से बैठ गए थे। चलो अब नेक्स्ट राउंड। ये अरे सिर्फ बड़े 4 बच्चे हैं। हाँ बड़े 4। थोड़ा स्पोर्ट्स लाओ यार गेम में। अब हम फीमेल्स की बारी है। लगी नहीं। ओके करो शायद हो गई मेरे हिसाब से जानवी डिस्क्वालीफाई और मेरी मामी का भोला भाला स्वभाव। मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ क्योंकि आप जीलू दीदी के पीछे थी इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए। पापा चलो गाइस देयर इज अ गेम जहाँ पे आपको बॉल डालनी है अंदर और नीचे वाला पैसा आपको मिलेगा। पोंग कहते हैं इसको बस। यस थोड़ा देसी वर्जन बस। ऐसे करके नहीं फेंक सकते हैं ठीक है। स्पॉन्सर यहाँ से फेंकना है आपको बॉल ऐसे करके। ये देखो गेम में आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी का। जय लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ। चल चल मौका मिल रहा है। ये देखो गेम में आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी का। टारगेट है सबका। चल जानवी गाइस गोपाली मैम इन दी हाउस। ओ बच गया इंटरेस्टिंग गेम। कम ऑन दीदी ₹10 चाची जीती। संतों के असली खिलाड़ी। चाचू चलो मम्मी की बारी आई है। दादी का नंबर है। चलो दादी यही तो फेंक दो तू। सेकेंड राउंड है स्टार्टेड। ओ गुड जॉब यार। जानवी मैडम की वापस चांस आई है। कैसे कैसे सिखा रहा है। ₹50 जीत के अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया है। मुझे नहीं लगता ₹20 से ज्यादा। मैं वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको गाने में वो वर्ड आना चाहिए। पढ़ने में नहीं आ रहे डब्बे पे कहीं लिखे हुए। दिखाओ। ओ माय गॉड क्या मेहनत की गई है। सही बात है गाइस ये अंताक्षरी के वर्ड्स हैं जिसको लेके हमें गाना है। बड़े वर्सेस छोटे। शुरू करो। मांग है या मांग है। मांग है मांग। मांग के साथ तुम्हारा इबादत इबादत दिल इबादत कर रहा है। इबादत निंदिया चेना सागर सागर जैसी तो मीठे 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 इमली का बूटा बेरी का पेड़ इमली खट्टी मीठे बेर। वी वी आर डन, चलो खत्म, मजा आ गई गाइस। वही बैठी है क्यूटेस्ट ब्रदर जिसको मैं खेलने नहीं देती। अगर कोई बोल चुका होगा। बड़े लोग सब नीचे चले गए और सिर्फ कजिन यंग ब्लड बैठा हुआ है ऊपर और हम खेलने जा रहे हैं। Hey guys, good morning. It is the next day. कल हम लोग सारे कजिन्स 6 बजे सोए हैं और बहुत ज्यादा मस्ती की है। I don't know how we all are surviving, but बहुत मजा आ रही है। आज है भाई दूज। I just got up, took shower, hair wash किए, वो एकदम ऐसे sleek hairstyle निकाली और क्यूट कुर्ती, and now I'm heading down। सब लोग नीचे हैं तो let's go। Guys, सुबह से मैंने ना एक बूंद पानी पिया है, ना एक अन्न खाया है, but माफिया खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, सुबह से चालू हो गया। गाइस वी आर प्लेइंग माफिया। सेलू दीदी सच अ चीटर। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। गाइस मैं मर गई हूँ, मुझे यश नहीं मारा होगा, मुझे तो उस पर कोई डाउट ही नहीं होगा। वो एक काम हो सकता है, मरा हुआ इंसान चाय भाकरी खाने जा रहा है। और अगर मुझे उसने मारा होगा जिसको मैंने बचाया था, तो मैं बहुत मारूंगी। जीनू दीदी इधर खेल रहा है, जानवी वाज द डॉक्टर, जानवी ने जीनू दीदी को ही बचाया था। मारना मुरना गलत बात है। गाइस मैं ऊपर आई हूँ फटाफट तैयार होने, क्योंकि अभी टीका होने जा रहा है भाई दूज का। ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड अनोखी एंड आई रियली लाइक इट। इट ऑल्सो हैज पॉकेट्स व्हिच आई एब्सोल्युटली लव। और ये ना मुझे काफी गाउन की तरह आ रहा है, सो आई डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग इनसाइड। मस्त मेकअप करके मैं नीचे आ चुकी हूँ एंड शान भाई इज इन शॉर्ट। गाइस कैश सीधे मिल रहा है। ये मैच से पहले हो जाना चाहिए था, ये लोग बैठ ही नहीं रहे। और भाई दूज एंड रक्षाबंधन वेयर अ कुर्ती विद अ टॉप। गाइस मैच चल रहा है बहुत ही गंभीर तरीके से। हम चाचू के घर आए हुए हैं क्योंकि बुआ को टीका करना है। ऑल्सो गाइस चाची की सोसाइटी में ना लोग बहुत बड़े से हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और रोडों पे लिखते, देखो सबने अपने अपने घर के आगे लिख रखा है। गाइस ऑल्सो राइस भी बने हैं जो मैं खाने जा रही हूँ। वेरी लेट लंच। रसमलाई के ऐसे बड़े बड़े डब्बे आए हुए हैं। थैंक यू, लुक्स सो गुड। फेस्टिवल्स आर ओवर एंड आई एम सैड बिकॉज एवरीवन इज गोइंग। हेलो यू ऑल, आई एम व्लॉगिंग आफ्टर अ वाइल। मैं बाहर आई हुई हूँ दीदी एंड मम्मा और शाम भैया के साथ। शाम भैया इन वॉशरूम राइट नाउ। और हम बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर आए हैं, हमने पूरा लॉकडाउन साथ में बिताया तो हमारा हाँ सो वी हैव बॉन्डेड ओवर फूड एंड ऑल। और हमें बहुत मजा आती है। शाम भैया रात में चला जाएगा तो हमने सोचा चलो बाहर चलता है। वी हैव जस्ट ऑर्डर 2 to 3 थिंग्स, बस बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, मजा आ रही है। एंड द प्लेस इज ऑल्सो नाइस, द व्यू इज नाइस। आई एम सैड दैट फेस्टिवल इज like the festive season is ending। ऐसे थोड़ा सा पता नहीं, I really liked all the lights and everything around me। और एकदम ऐसे तैयार होने का बहाना बहाना मिल जाता है, but ठीक है until next year। Guys, we had some amazing, delicious, yummylicious। बहुत बेकार कैफे है, मत आना। खाना वाना तो नहीं लगा ना मेरे मुंह पे। My sister is always pissed guys। देखो अगर बहुत महंगा खाना हो और खाना अच्छा ना हो ना तो दिमाग घूम जाता है। एक तो पैसे देने पड़ते हैं वाहियात खाने के, फिर अभी मेरे को चाट खाने जाना पड़ेगा। अरे ये कट कर देना यार, इस चक्कर में फिर काम नहीं मिल पाता है, मैं गरीब रह जाऊंगी फिर। सेफपुरी हियर। और मैडम जी गाइज ये पता है हमने 300-400 रुपए का जो लिया था वो फट गया है, ट्रैप फट गई है गाइज, बट ठीक है लुक्स क्यूट, हम वापस स्टिचिंग कर देंगे इसकी। गाइज लुक एट आंटी जी ईटिंग कैंडी लाइक अ किड। चलो घर तुम्हें बहुत मार लगाया है।